गुजर रहे हैं गुजर जाएंगे, कहीं ठहरे तो मर जाएंगे। मिर्जा गालिब का ये बहुत बड़ा शेर था। और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हम निकल रहे हैं प्रयागराज, चलेंगे अल्फ्रेड पार्क या फिर कंपनी बाग, कैसे कहिए, अल्फ्रेड पार्क कहिए या चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहिए, तीन नाम स्थान एक। चलते हैं वहीं और आपको दिखाते हैं। दरअसल गणतंत्र दिवस के दिन वहाँ पर बहुत बड़ा जो है आयोजन भी होता है और बढ़िया डेकोरेट किया जाता है, जैसा हमने सुना है। अभी कभी गए नहीं है गणतंत्र दिवस पे वैसे तो, हालांकि कई बार हम गए हैं अल्फ्रेड पार्क, लेकिन ऐसे मौके पर नहीं गए हैं। तो आज चलते हैं, हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते आज हैं। ही है हमारे पास गाड़ी जो केजी जगह की है। कल हम लाए थे, तो वही चल रहे हैं, रास्ते में देंगे, उसके बाद अपनी गाड़ी उठाएंगे वहाँ से। तो अभी के लिए दोस्तों हम सब बस में बैठ चुके हैं। दरअसल प्लान था गाड़ी से जाने का, बट लोग ज़्यादा हो गए तो हमने कहा चलिए बस की यात्रा करते हैं। और बस से यहाँ से हम निकल रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं हमें, हम इधर अभिषेक और उधर भैया जी बैठे हैं और एक लोग आगे वो आ रहे हैं, और जस्ट स्किन वो आ रहा है वाइट वाला। अरे भैया कहाँ पे वहाँ कहे भाग गए? तो इतने लोग हैं तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से, और मुश्किल 10-15 मिनट लगेगा, तो 15 मिनट में यहाँ से पहुँच रही है। तो फाइनली दोस्तों हम सभी लोग यहाँ पर, आपको बताया था जितने लोग ज्वाइन किए थे सभी लोग यहाँ पर पहुँच गए बासन चौराहे पे। अब यहाँ से हमें आई थिंक उस साइड जाना होगा, वो जो आप देख रहे हैं उस साइड जाना होगा जहाँ से हम कंपनी गार्डन पहुँचेंगे या फिर कहें अल्फ्रेड पार्क पहुँचेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों जो हमारे साथ थे भैया जी वो पीछे हमें किसी का इंतजार कर रहे हैं, वो आ रहे हैं उधर से। और अभी हमारे साथ है हम विपिन और अभिषेक, तीन लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ पे और यहाँ पर देख लीजिए योगी जी की कृपा है जो हम, और इस वक्त हम ये जो आप देख रहे हैं ये बालसन चौराहा है, और हमारे इस साइड आप देख इधर है भरद्वाज आश्रम। देन यहाँ से निकलते हैं, पहले क्रॉस हो ले देन बात करते हैं आपसे। फाइनली इस साइड हम क्रॉस हो चुके हैं, आगे चलकर जहाँ शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति है वहाँ से मेन गेट है जहाँ से एंट्री होती है, तो वहीं पर चलते हैं। और जो है टिकट आज कह रहे हैं फ्री है, 26 जनवरी है, तो देखते हैं अगर फ्री रहा तो ठीक है, नहीं तो 5 रुपये का टिकट लगता है। आप जब जब कभी भी आएंगे तो आप इजली एंट्री कर सकते हैं, सिर्फ 5 रुपये का टिकट यहाँ पर लगता है अंदर जाने के लिए। अभी हम सब पार्किंग एरिया है ये, दरअसल पार्किंग उस साइड है हमारे इसके गेट के जस्ट अपोजिट साइड जहाँ पर इंटरनल पार्किंग होती है, बट यहाँ पर पार्किंग बना दी गई है आज के लिए। और ये रहा पार्किंग एरिया, तो अंदर चलने से पहले अभी तक तो भीड़ नहीं थी, बट जैसे ही हम अंदर चलते हैं वहाँ पर भीड़ काफ़ी होगी, तो मेक श्योर करें कि आप मास्क ज़रूर लगाएं, उसके बाद ही आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये जस्ट हमारे सामने ये टिकट काउंटर है जो आज के लिए बंद है, बाकी ये शहीद स्मारक पार्क है जो अभी अंदर चलेंगे जिससे हम। तो अभी के लिए दोस्तों हम जस्ट अंदर आ चुके हैं, और आप इस साइड देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति के पास में। और यही गेट है जहाँ से आप एग्जिट और अंदर और बाहर दोनों हो सकते हैं, आई थिंक एंट्री गेट और एग्जिट गेट यही अकेले हैं, और चारों दिशा में यहाँ पर आपको गेट मिल जाएंगे और अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हैं। और आइए चलते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति के पास।
गया है। तो यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया, गेट नंबर 3 है और 1 और 2 उस साइड है हमारे, चल रहे हैं उधर ही। और उधर कुछ प्लेग्राउंड है, किड्स प्लेग्राउंड जिसे कह सकते हैं, कुछ उस तरीके का है। और अंदर विक्टोरिया मेमोरियल का एक ऐसा ढांचा बनाया गया है, तो ये आपको भी दिखाते हैं। और यकीन मानिए आज के दिन कुछ ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पे। कॉपीराइट की वजह से यहाँ पर हम पूरे सॉन्ग को आपको नहीं सुना सकते, इसके लिए माफ़ी। तो अभी दोस्तों हम इलाहाबाद संग्रहालय के जस्ट गेट के सामने खड़े हुए हैं, और आप पीछे हमारे देख सकते हैं ये इलाहाबाद संग्रहालय का गेट है, लेकिन आज हमने सोचा खुला होगा बट आज बंद है, अन्यथा ये डेली खुलता है, आज ये के लिए क्यों बंद है पता नहीं। और उधर हमारे टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर अभी बंद है। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इलाहाबाद संग्रहालय भी अंदर चलेंगे और वहाँ भी आपको दिखाएंगे। और तो फाइनली दोस्तों जिस चीज़ की हमें तलाश थी वो यहाँ पर हमें मिल चुकी है, मैप। वहाँ पर मैप नहीं दिखाई दिया लेकिन यहाँ पर ये मैप है और देख सकते हैं आप। और हमें आप हम आपको भी दिखा देते हैं कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं और क्या है। तो आप एक बार स्क्रीन पास करके मैप को देख सकते हैं, जब भी आप यहाँ आए तो मैप याद रखें और आप इजीली जो है हर एक प्लेसेस को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इसी में आपको चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति, पब्लिक लाइब्रेरी और इलाहाबाद संग्रहालय और भी प्लेग्राउंड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप अगर इजीली यहाँ पर घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, देख सकते हैं सारी चीज़ें। और इधर आप देख सकते हैं दोस्तों ये बच्चों का प्लेग्राउंड है जहाँ पर काफ़ी बच्चे खेल रहे हैं। ब्लैक आ रहेगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर वीडियो पूरा शूट हो चुका है और अब ही हम सब निकल रहे हैं और इधर रिकॉर्ड करते करते और टहलते टहलते भूख लग चुकी है। अब बाहर भैया इंतजार कर रहे हैं, वहाँ चलते हैं और कुछ खाते हैं, देन उसके बाद कमरे पे निकलते हैं।